वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की अपील पर मुल्क और बैरून मुल्क से डैम फंड के लिए एहतियात का सिलसिला जारी है। जर्नी में मुकीम पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एहतियात की अपील पर ज्यादा से ज्यादा फंड देने के अज़्म का इज़हार किया है। फ्रैंकफर्ट में PTV के नुमाइंदे शबीर अहमद खोखर को इंटरव्यू में जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने बताया कि वो दिल खोलकर एहतियात देंगे। वज़ीर आज़म साहब की बहुत अच्छी अपील है। जो डैम्स हैं ये बहुत पहले बनने चाहिए थे, अब मगर जो देर आए दुरुस्त आए, अब बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। TV पे ये ऐलान सुना तो उसी टाइम ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच की तरफ रुख कर लिया। जितनी देर तक ये डैम मुकम्मल नहीं हो जाता उतनी देर तक हम ये कोशिश जारी रखेंगे। ये अगर डैम बनेगा तो मेरी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो खुशहाल होंगी। बहुत ज़बरदस्त एकदम है चीफ जस्टिस का, और जो साथ में इमरान खान ने साथ दिया है उससे और भी जो है ना लोगों को हौसला अफजाई हुई है, और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये डैम बनने में जो है ना सारे अपने जो है ना हिस्सा डाल दें। ये एक अच्छी चीज़ है, ये पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मेरी तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपील है कि वो इस अच्छे काज के लिए फंड दें ताकि मुल्क में ये पानी के डैम बन सके और मुल्क खुशहाल हो, ज़रात हो, आबपाशी अच्छी हो। इस बार हमें यकीन है, उम्मीद है कि मिस्टर इमरान खान की जो हुकूमत है वो अपने हर वादे को पूरा करेंगे और हम बिल्कुल हर तरह से उनकी मदद के लिए तैयार हैं। वो जो डैम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने चंदा भी दिया है उधर मॉस्को में, हम और भी देने के लिए तैयार हैं ताकि वो अपने जो भी उनके ख्वाहिशात हैं, उम्मीद हैं, वो पूरे निकले।